हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे एंड के जॉब्स कार्नर यूट्यूब चैनल। आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जहां पर गवर्नमेंट आई टी आई मैंडर इसमें रिक्रूटमेंट आई है। एज लिमिट 18 से 40 रहेगी। ट्रेड देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कोपा सेल्फ फाइनेंस है, इसमें बी या बी टेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस आई टी में विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, या पी जी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन आई टी में, या नाइलेट बी लेवल कोर्स होना चाहिए विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, या आपके पास डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन आई टी, या पी जी डी सी ए डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या नाइलेट ए लेवल कोर्स होना चाहिए साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस, या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस आईटी में विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, या आपके पास कोपा ट्रेड में जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट वो होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल रहेगा क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग जो स्कीम है इसके अंडर। नेक्स्ट है प्लम्बर सेल्फ फाइनेंस, इसमें डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसी में, और 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपके पास एनटीसी एनएससी पास होना चाहिए प्लम्बर ट्रेड में विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। डिज़ायरेबल रहेगा यहाँ पर नेशनल क्राफ्ट ट्रेनिंग कोर्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन सेल्फ फाइनेंस, इसमें डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, या डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, या एनटीसी एनएससी पास होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। प्रेफरेंस दिया जाएगा क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट इंग्लिश, इसमें डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स या आर्ट्स में विद शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, या डिप्लोमा होना चाहिए कमर्शियल प्रैक्टिस में विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, या एनटीसी एनएससी पास होना चाहिए विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। डिज़ायरेबल रहेगा क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट। फिर है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए प्री प्राइमरी एजुकेशन में विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, या डिग्री इन एजुकेशन विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, या आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग में और 3 साल का एक्सपीरियंस, या आपके पास चाइल्ड डिवेलपमेंट कोर्स इन होम साइंस एजुकेशन विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, या आपके पास एनटीसी एनएससी पास होना चाहिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर प्री प्रेपरेटरी स्कूल मैनेजमेंट असिस्टेंट ट्रेड विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। प्रेफरेंस दिया जाएगा क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट वाले को। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, या डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, या एनटीसी एनएससी पास होना चाहिए ड्राफ्टमैन मैकेनिकल सिविल विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। डिज़ायरेबल रहेगा क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इसमें डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, या डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। डिज़ायरेबल में रहेगा क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए एमबीए या बीबीए होना चाहिए विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, या पीजी या ग्रेजुएट होना चाहिए सोशियोलॉजी सोशल वेलफेयर इकोनॉमिक्स विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, या ग्रेजुएट या डिप्लोमा होना चाहिए विद 2 ईयर एक्सपीरियंस एंड ट्रेंड इन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फ्रॉम डीजीटी इंस्टीट्यूट्स। नेक्स्ट है एंड इसमें मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल एंड बेसिक कंप्यूटर एट 12th डिप्लोमा लेवल एंड अबो, तो इसी के साथ कोई भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और साथ में ये जो है इंग्लिश वगैरह कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए पढ़ा होना चाहिए 12th या डिप्लोमा लेवल में, या आपके पास एग्जिस्टिंग सोशल स्टडीज़ इंस्ट्रक्टर्स ड्यूली ट्रेंड इन एप्लायबिलिटी स्किल्स फ्रॉम डीजीटी इंस्टीट्यूट्स। लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की 7 अक्टूबर 2021 अप टू 4 PM, तो वहाँ से आप वो ITI से फॉर्म मिल जाएगा। 7,500 सैलरी रहेगी डिग्री वाले के लिए, डिप्लोमे वाले के लिए 7,000। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा के आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। फर्दर जॉब्स अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।